तो शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत ही जोरों शोरों से शादियाँ हो रही हैं, और शादियों में हम सबसे ज़्यादा मज़ा लेके खाते हैं मीठा, और मीठे में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गाजर का हलवा। तो जब भी हम शादियों में गाजर का हलवा खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही यमी होता है। तो मैं आज आपसे वही सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप घर पर शादियों का मज़ा ले सकते हैं और घर पर बना सकते हैं बिल्कुल हलवाई वाली गाजर का हलवा। तो इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस रेसिपी को ट्राई करके सबके साथ अपना मुंह मीठा कीजिएगा। एंड यू नो इस रेसिपी की खासियत क्या है कि ये बनेगी बहुत ही झटपट से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी एंड क्विक तरीका बताऊंगी, लेकिन टेस्ट में मत पूछिए, इतना लाजवाब लगेगा ना कि लोग बार बार कहेंगे आपको इसे बनाने के लिए, एंड सब बहुत ही ज़्यादा मज़े लेके खाएंगे। तो चलिए आइए इस रेसिपी को देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे गाजर लिया है जो कि अराउंड 1 kg के, और मैंने इसे अच्छे से छील कर वॉश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने डाला है ऑलमोस्ट 3 से 4 tablespoons घी। तो ये बिल्कुल घर का देसी घी है, अगर आप चाहें तो मार्केट का भी घी ले सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने क्या किया है, उस गाजर को अच्छे से, सारे गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो आप ये देखिए, हमने सारे गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसे कढ़ाई में डालूंगी। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे एंड इसके बाद हमें अपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। तो इसे अच्छे से घी में मिक्स करने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes के लिए अच्छे से भूनेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल सोना सा टेस्ट आएगा। तो इसे 5 से 10 मिनट भूनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे एक लीड की हेल्प से कवर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 minutes हम इसे लो फ्लेम पे कवर करेंगे ताकि गाजर अच्छे से पक जाए एंड इसके बाद फिर हम इसे अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए, अब मैं फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके चला रही हूँ। एंड इसे चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। तो मैंने एक बड़ा सा कप लिया है और उससे मैं 1 कप के अकॉर्डिंग इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ फुल फैट दूध ऐड कर रही हूँ, ये गाय का दूध है, आप चाहे तो पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सो मुझे दूध थोड़ा कम लगा तो मैंने यहाँ 1 कप और दूध इसमें ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ टोटल 2 कप दूध इसमें ऐड किए, और जो मेरा कप है वो भी थोड़ा बड़ा वाला है, सो आप ध्यान दीजिएगा। एंड ये ना इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो मैंने यहाँ फुल फैट मिल्क डाला है एंड उसमें ना ये गाजर अच्छे से बिल्कुल पकेगा। तो इस दूध को डालने के बाद हम इसे फिर से ढक देंगे। तो फिर से 5 मिनट्स ढकने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे हलवे में बॉयल आ चुका है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे ना, इसे अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स करने के बाद हम फिर से इसे ढक देंगे। तो आप इस एक बार इस तरीके से भी ज़रूर इस हलवे को बनाकर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से इसे ढकने के बाद फिर से हम इसे चलाएंगे एंड इस प्रोसीड्योर को हमें ऐसे ही 2 से 3 बार फिर से रिपीट करना है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है ऑलमोस्ट 6 से 7 इलायची को अच्छे से क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है, जो छोटी इलायची होती है वो वाली, एंड इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है ऑलमोस्ट 1 बाउल शुगर, एक बड़ा बाउल है शुगर का, वो मैंने ऐड किया है एंड अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इसे अच्छे से चीनी को इसके साथ मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो है ना ये बहुत ही इजी प्रोसीड्योर बनाने का। एंड ये जो दूध में जब गाजर बिल्कुल पकेगा ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा आपके हलवे को। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। तो एक बार फिर से इसे हम ढक देंगे एंड फिर से 4 से 5 मिनट बाद फिर से हम इसे देखेंगे। सो नाउ इस मोमेंट पे अब हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ डाले हैं कुछ बादाम जो कि मैंने क्रश कर दिया है एंड फिर मैंने डाले हैं किशमिश और उसके बाद मैंने ऐड किया है कुछ काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, एज यू विश। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम हलवे के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड 2 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तो 2 से 4 मिनट भुनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है ऑलमोस्ट 1 बाउल खोआ, जो कि मैंने घर में खुद से प्रिपेयर किया है एंड आप चाहे तो मार्केट का भी खोआ यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन मैंने यहाँ खुद से घर में से बनाया है। अगर आप इसका भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपसे वीडियो शेयर करूँगी कि आप घर में खुद से कैसे खोया बना सकते हैं। तो इसे डालने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि ये ना बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। जब इसमें खोया ऐड होगा तो बहुत ही रिच टेस्ट देगा ये से, एंड बहुत यमी लगने वाला है खाने के बाद। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एंड आप अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद, सो खोया डालने के बाद खोया भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एंड मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे ले आएंगे। एंड मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पे आप इसे चलाते रहिए, तो इससे क्या होगा ना, जो भी दूध और खोया है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा एंड बिल्कुल जो हलवा है ना वो ड्राई हो जाएगा। तो इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद आप देख सकते हैं जब अच्छा सा कलर आ जाए, आप देख रहे हैं हमारा गाजर का हलवा का कलर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल रेड होता जा रहा है, लग रहा है ना बहुत ही यमी। सो आप नज़दीक से देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा जब हलवा हो जाए तब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी और ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत पहले शूट किया था एंड ठंड का टाइम था तो घी थोड़ा जमा हुआ था, तो मैंने उसमें ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ऊपर से घी डाला। एंड फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से घी जब आप डालिएगा ना तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। तो इस तरह से इसे मिक्स करने के बाद और अच्छे से 2-4 मिनट और भुनने के बाद आप देख सकते हैं हमारा हलवा कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी एंड यमी। सारी मिठाई को फील कर देने वाला है ये हलवा, इतना टेस्टी लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है एंड इट इज़ लुकिंग सो यमी ना, मुझे तो लग रहा है फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। देखने के बाद इतना टेस्टी लग रहा है फिर से इसे जाकर बनाकर खाऊं। तो इस तरह से हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे एंड ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, क्योंकि होली भी नज़दीक आ रही है और अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो एज अ डेजर्ट भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। एंड ये गर्मा गर्म भी बहुत अच्छी लगती है और अगर आप चाहें तो इसे कुछ दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए, फ्रेंड वंस को खिलाइए, लव्ड वंस को खिलाइए और सबके साथ खूब सारा इन्जॉय कीजिए। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गाजर का हलवा किन किन का फेवरेट है। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल के फॉर क्रिएशंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।